हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और थैंक यू, पहली वाली जो वीडियो थी, मतलब इस चैनल की पहली जो वीडियो थी, उस पर आपने सपोर्ट दिखाया और मैंने देखा कि लोगों ने वीडियो देखी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो दिवाली की जो थी। तो आज है सैटरडे और मेरे को जाना था 9 बजे करीब, और लेकिन अभी बज रहे हैं 12। और इसके पीछे रीज़न ये है कि यार मेरी जो शिफ्ट होती है, ऑफिस शिफ्ट होती है, वो रात की होती है। इस वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मैं जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब एकदम लगी पड़ी है पूरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ की पूरी लगी पड़ी है। हालांकि अभी धीरे धीरे करके उसको भी सुधारना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या करना है कि अभी मैं देखता हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि अभी गाड़ी भी नहीं है अपने पास। और बाइक को उठाएंगे और बाइक को चेक करेंगे कि वो साथ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी भी सर्विस नहीं हुई है। सर्विस इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मैं उसे चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, और मेरा सच में मन नहीं करता उसे चलाने का। तो देखते हैं, आज उसको ही निकालते हैं। और उसके साथ और ओनर जो दोस्त वगैरह हैं जिनके पास गाड़ी है, तो उनका ओनरशिप रिव्यू भी ले लेते हैं, और एक गाड़ी का शूट भी करना है एमजी हेक्टर का, वो भी कर लेते हैं। देखते हैं, फ़ोन मिलाते हैं कि वो है भाई कि नहीं है। अगर है, होता है, तो मैं अभी पहुँच जाऊँगा फटाफट। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में शूट कर लूँगा। और अगर वो रिव्यू शूट के लिए, मतलब ओनरशिप रिव्यू के लिए तैयार हो जाएगा उस टाइम, तो मैं उसका ओनरशिप रिव्यू भी ले लूँगा। तो अगर आपको ये रिव्यूज़ के बारे में देखना हो, तो द ऑटो स्टूडियो करके चैनल है, आपको पता ही होगा। तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। कोई भी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं जानने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे, और देखते हैं ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज का सैटरडे कैसा जाता है। और गाइस, ये रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का मैंने रिव्यू डाल दिया है, आप जाकर के चैनल विजिट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, और सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल दीज आर सम एक्सेसरीज जो आप परचेज करते हैं एज अ रॉयल एनफील्ड के ओनर हैं। तो शर्ट्स हो गई, ग्लव्स हो गए, देन दीज आर कप्स, बैग्स, बंडाना शर्ट्स एंड हेलमेट। यहाँ पर बैग्स वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी कैमो कैमो डिज़ाइन में, एंड देन दिस नी गार्ड, एंड ये आपका ट्राउजर हो गया, देन दिस शूज, और ये मिनिएचर मॉडल्स रखे हुए हैं। तो ये डिसेंबल कर रखा है एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को, और ये हेडलाइट्स देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे से बना रखा है शोरूम। दिस इज मेरे ख्याल से क्लासिक 350, एंड एक्सेसरीज लगी हुई हैं जैसे सीट्स हो गई, एंड देन क्रैश गार्ड्स हो गए, देन इंटरसेप्टर की सीट्स हो गई। दीज आर सम पैम्पलेट्स, जैसे क्लासिक के लिए हो गया है इंटरसेप्टर, और यहाँ पर भी कुछ एक्सेसरीज हैं, ये देख सकते हैं की रिंग्स वगैरह।
तो अभी मैं रॉयल एनफील्ड से आ गया था घर पे, और घर पे खाना खाया, और अब मैं जा रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है विक्रम, तो विक्रम से मिलूंगा। उसके पास XL6 है, और XL6 का मेरे को ओनरशिप रिव्यू शूट करना है जो कि रह गया था। और अगर XL6 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो XL6 की वीडियो मैंने काफ़ी पहले, मतलब जब मैंने चैनल द ऑटो स्टूडियो की शुरुआत करी थी तभी डाल दी थी। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, और रिव्यू मैं 2-3 दिन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहले विक्रम से मिलते हैं और उसका रिव्यू शूट कर लेते हैं। और भाई ये है अपनी इको स्पोर्ट, और इको स्पोर्ट में अब ये प्रॉब्लम आ गई है, दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको जा करके जब मैं सर्विस पे जाऊंगा तभी चेक करवाना है। तो चलते हैं, इसको भी सर्विस करा लेते हैं। इसका एंटीना एरियल किसी ने उखाड़ दिया है, या तो बंदरों ने उखाड़ा है या किसी ने दुश्मनी निकाली है। अब पता नहीं लोग दुश्मनी क्यों निकालते हैं, ये तो पता नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है यार उसके साथ भी बुरा हो सकता है आगे जा करके। खैर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपन यही बोलेंगे कि यार लड़ाई करनी है सामने आके लड़ाई करा करो, ये फालतू की चीज़ें मत किया करो।